आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्पेशल पोड़ी मसाला, उसको गन पाउडर भी बोलते हैं। और ये पाउडर आप एक बार बना लेंगे तो उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इडली, डोसा, थत्ते इडली, जो भी आप बनाना चाहे उसके साथ ये एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये मसाला बनता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। आपका स्वागत है मेरी चैनल में और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम चना दाल ले लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी एक कटोरी का माप सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से सभी चीज़ें लेनी है। तो आधा कप मैंने यहाँ पर चना दाल ली है। तो यहाँ पर हम लो फ्लेम पर उसको रोस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं धीरे धीरे उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये थोड़ी मोटी है इसलिए थोड़ा सा सिकने में उसको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले डाला है। और उसके बाद थोड़ी सी सिक जाए तो उसके बाद हम डालेंगे उड़द की दाल। तो यहाँ पर मैंने पोंछ करके लिया है, क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़ा सा पाउडर वगैरह रहता है इसलिए। तो 1/3 कप के जितनी मैंने यहाँ पर उड़द दाल ली है। यहाँ पर आपके पास जो बिना छिलके वाला उड़द हो तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। तो उसको हम चना दाल के साथ भी साथ ही उसको ऐड करना है सिकने के लिए। तो हम दोनों को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए, तब तक हमको करना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता जाएगा और गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए और एरोमेटिक हो जाएगी, तो वहाँ तक हमको सिक लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी दोनों दालें अच्छी तरह से सिक गई है, गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करने के लिए थोड़ी सी फैला देंगे। और उसके बाद हम वही कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना कोरिएंडर सीड्स, यानी कि साबुत धनिया, और 12 से 15 जितने मैंने यहाँ पर जो तीखा मतलब कि पेपरकॉर्न होते हैं वो लिए है, 1 चम्मच जितना जीरा डालेंगे और आधा चम्मच जितना राई ऐड करेंगे, सरसों का दाना, और थोड़ा सा हम मेथी दाना भी डाल देंगे, अप्रोक्स आधी चम्मच होगा। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये सभी चीज़ें आसानी से एक साथ में अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगी, इसलिए तो हम लो फ्लेम पे ही ये सब सारी चीज़ें भुनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच जितना सफ़ेद तिल, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप नहीं डालते हैं तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो तिल डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह से सिक लेंगे। तो जो पहले हमने मसाले डाले थे तो उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमने थोड़ी देर बाद ही तिल डाला है। उसके बाद हम डालेंगे करी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने थोड़े कम डाले हैं, आपके पास थोड़े ज़्यादा हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ अप्रोक्स 20 जितने पत्ते डाले होंगे। तो सभी पत्तों को अच्छी तरह से जो एकदम क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमको रोस्ट करना है। 1 टेबल स्पून जितना हम नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब तक करी पत्ता जो है वो क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमको करना है, और सेसमी सीड्स यानी कि तिल जो है वो फूटने लगेंगे, हमको ये सभी चीज़ें रोस्ट करनी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए है वो सारी चीज़ें हैं, वो हम जो उड़द की दाल है, चना दाल है, उसके ऊपर ही रख देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और फैला देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए है 4 से 5, या फिर अब आपको जितना पसंद हो उतना आप यहाँ पर तीखा, जो तीखी मिर्च सूखी होती है वो मैंने ली है। और साथ में मैंने लिए है ये काश्मीरी लाल मिर्च जो सूखी वाली है। तो यहाँ से 15 से 20 मैंने अप्रोक्स लिया है, और सभी को हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में वो फूल जाएंगी और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगी। और यहाँ पर जो मैंने लाल मिर्च ली है वो अपने हिसाब से आप तीखा जितना पसंद करते हैं वो उतना ले सकते हैं। तो दोनों को हम अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तब तक सेक लेंगे और साइड में निकाल लेंगे। और वही कढ़ाई में मैंने
यहाँ पर 3 चम्मच जितना डेसिकेटेड कोकोनट भी ड्राई रोस्ट करके ये सभी चीज़ों में मिला दिया है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तब तक हमको रखना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मिक्सचर जार लिया है। मिक्सचर जार में हम सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम उसका पाउडर बना लेंगे। तो जो डेसिकेटेड कोकोनट है सभी चीज़ें हमें एक साथ ही मिला देनी है। और मैंने यहाँ पर जो मिर्ची है उसके जो ऊपर का पार्ट होता है वो निकाल दिया है और सभी मिर्चें भी हम इसमें डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम मिक्सचर जार का ढक्कन ढक के अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते हैं कैसा मैंने पाउडर बनाया है, कैसा पाउडर बना है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी ये पाउडर बनता है। आप किसी भी इडली सांभा इडली है डोसा है सभी चीज़ों के ऊपर लगा कर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये पाउडर जो है आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कुछ नहीं होता है। और या एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं या इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सभी चीज़ें रोस्ट करके ली है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो मसाला है मैंने स्टोर कांच की जो होती है जार उसमें भर के रख दिया है। और मैंने यहाँ पर इडली बनाई है, इडली के ऊपर मैंने ये सर्व किया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कई लोगों को तो ये जो मिर्ची वगैरह होता है, मिर्ची है या गाजर हो गया, उसके साथ भी ये पोड़ी मसाला खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। और इडली के साथ इसको घी के साथ सर्व किया जाता है तो आप ज़रूर से इस मसाले को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इडली के साथ खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। आप डोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में डोसा या इडली कुछ भी दे रहे हो तो उसके ऊपर भी आप स्प्रिंकल करके दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी इतना लगता है। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो वो जो हमने लाल मिर्च जो ऐड की थी वो आप स्किप कर सकते हैं, ओनली आप कश्मीरी लाल मिर्च ही आप ऐड करिए, बहुत ही टेस्टी और अच्छा नाश्ता जो ये मसाला है वो बन जाता है। तो ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।